हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ फंडामेंटल एंड वैदिक मैथ। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम सीखने वाले हैं वैदिक मैथ का एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस टेक्निक। ये टेक्निक में हम सीखेंगे कैसे एक टू डिजिट नंबर को दूसरे टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब ये टेक्निक का फ़ायदा क्या है, आप अगर ये टेक्निक को यूज़ टू हो जाओगे तो आपका स्पीड ऑफ कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी और आप समझ लेंगे कि आपको नॉर्मल सम्स में जो टाइम लगता है वो टाइम आप ऑलमोस्ट आधा कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस प्रेजेंटेशन से जाइए और समझिए ये टेक्निक कैसे वर्क करती है। सो ये वीडियो में हम सीखेंगे क्रिस क्रॉस टेक्निक जिससे हम टू डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी एक टू डिजिट नंबर को दूसरे टू डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो पहला एग्जांपल लेते हैं, 27 को 35 से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है, पहले उससे कर लेते हैं। जो हमारे छोटे दोस्त हैं उनके लिए ये टेक्निक, हम सभी लोगों को पता है पहले 5 7 35, तो 5 मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 5 10, जो 3 है उसे कैरी करके 135 लिख दूंगा मैं। अगले स्टेप में जब मैं 3 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं एक डमी लगाता हूँ जो यहाँ पे सर्कल में दिख रहा है, 3 7 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 3 6 प्लस 2 8। सो फाइनल आंसर अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ वो है 945। अब ये था नॉर्मल मेथड, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब आते हैं मेन मेथड पे, विच इज़ क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर इसको आप रेगुलर इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो पहला स्टेप क्या है इसमें, जो एक्सट्रीम राइट पे दोनों नंबर है 7 एंड 5, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7 इंटू 5 ये मुझे देता है 35। इसका जो 5 है यूनिट प्लेस का नंबर वो मैं आंसर के अंदर लिखता हूँ और जो टेंथ प्लेस का नंबर है उसे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। अगला जो स्टेप रहेगा उसमें हम 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे डायगनली और उसमें हम ऐड करेंगे दूसरा मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 3। तो आप देख सक रहे हो ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस टेक्निक। 2 5 10 प्लस 7 3 21 वो 31 देता है और 31 में 3 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सो 31 प्लस 3 ये हमें देता है 34। वापस मैं यूनिट प्लेस का जो नंबर है 4 उसको आंसर में लिख देता हूँ और 3 को हम कैरी करेंगे फॉरवर्ड। और जो लास्ट स्टेप है वो है जो भी टेंथ प्लेस के नंबर हैं यानी 2 एंड 3, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर आएगा 6 और ये 6 को हम 3 ऐड करेंगे जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, जिससे मुझे आंसर मिलेगा 945 यानी 945। सो ये था पहला सम, आप देख सकते हो इसे हमने 3 स्टेप में किया हुआ है। अगला सम हम कैलकुलेशन या रफ वर्क तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा इसे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सो 7 4 मुझे 28 मिलता है, 8 मैं आंसर में लिखूंगा, 2 कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अगला स्टेप 3 4 12, 7 9 63। सो 7 9 63 प्लस 3 4 12, इसका एडिशन किया तो मुझे मिलता है 75 यानी 75। 5 जो है मैं आंसर में लिखूंगा जो यूनिट प्लेस का है, उससे पहले मुझे जो 2 हमने कैरी फॉरवर्ड किया है उसे ऐड करना पड़ेगा, तो इससे मुझे मिलेगा 77। तो एक 7 मैंने लिख दिया है और दूसरा 7 कैरी फॉरवर्ड किया है। और जो तीसरा स्टेप है वो है टेंथ प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करने का, यानी 9 3 27 प्लस 7 दिस गिव्स मी 34। सो फाइनल आंसर इज 3 4 7 8। और एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 44 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 69 से, सो 4 9 36, 3 को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 4 9 36 प्लस 6 4 24, इसका एडिशन होता है 60 को ये 3 ऐड किया तो हो जाता है 63, 3 मैं आंसर में लिख देता हूँ और 6 को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, 4 6 24 प्लस 6 is 30, so final answer is 3036।
तो आपने देखा कि ये जो मेथड है, ग्रेजुअली तीनों सम में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे हैं। पहली बात, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, मेरा स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बढ़ गया। जब आप कुछ ऐसे बड़े सम्स करते हैं जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, तब ऐसी टेक्निक्स आपकी स्पीड बढ़ा देती है, यानी जो लार्जर कैलकुलेशंस हैं उसको वो सिंपल कर देता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हो, ये था हमारा क्रिस क्रॉस टेक्निक, जिसमें हमने बताया है कि कैसे टू डिजिट नंबर को दूसरे टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी शंका होगी तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल इंग्लिश, हिंदी और मराठी में आपको ये वीडियोज़ एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।